थी, इसमें उम्मीद थी कि ये मध्यम वर्ग महिलाएं इन ये उतने वो उनकी उम्मीदों पे शायद ये उस तरह से खरा नहीं उतरा जितनी उम्मीदें लोग लगाए बैठे थे। हाँ बस इतना है कि और ये एक अगर राहत कही जाए तो ये कि कोई और टैक्स नहीं लगाया, जैसे अश्विनी जी कह रहे हैं कि इतना शुक्र मना लीजिए कि कोविड टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं आया। क्यों भवानी? नेगेटिव ना होना ही पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव ना होना ही पॉजिटिव हो गया है भवानी। देखिए सबसे बड़ी जो मध्यम वर्ग की उम्मीद कर रहा था वो क्या सोच रहा है, महिला भी है मध्यम वर्ग भी हमारे साथ, आप बताएं कैसी उम्मीद थी, पूरी हुई नहीं हुई? बजट बहुत ही मिक्स रहा है फॉर वुमेन, हमारे लिए कुछ भी नहीं आया, स्पेशली ना इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस आए हैं, फार्मर ओरिएंटेड बजट रहा है हमारा। बट हाँ, इस पूरे कोविड पीरियड के बाद में एक मिडिल क्लास का एक्सपेक्टेशन था कि हमारे लिए कुछ स्पेशल आएगा, कुछ जॉब्स में आएगा, कुछ कहीं टैक्स सेक्शन में हमारे पास रिबेट आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं आया। हाँ, ज्वेलरीज के लिए हमें जरूर ड्यूटीज में ऑफ मिला है, बट हाउ मच इट विल रीच अस एंड हाउ मच वी कैन अफोर्ड वो एक सोचने वाली बात रहेगी हम सबके लिए। देखिए बिल्कुल काफी उम्मीदें काफी थी और जितनी उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं हुआ। क्या उम्मीद टैक्स से, क्या उम्मीद थी इससे, बजट से, और कितनी पूरी हुई? सर बजट से उम्मीद बहुत ही बाकी सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि मतलब सरकार को लोगों का रुझान, लोगों का उनकी ज़रूरत, और अभी जो कोरोना से जूझ रहे हैं। क्या उम्मीद किस तरीके की थी जो पूरी नहीं हुई? कुछ टैक्सेशन में राहत चाहिए थी, कुछ सरकार से व्यापार के साथ कोई व्यापारी को राहत चाहिए थी, बैंकिंग में कुछ राहत चाहिए थी, कोई पैकेज डिक्लेयर करते पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तो बहुत निराशाजनक बजट रहा है। देखिए किशोर बिल्कुल लोगों को पैकेज की बड़ी उम्मीद थी, हम सुबह से बात कर रहे थे तब भी कह रहे थे कि हर सेक्टर कह रहा था कि हमारे लिए कुछ पैकेज दे, राहत दे, वो ज़्यादा उम्मीद थी, वो पैकेज का नहीं हुआ। और सबसे बड़ी जो मिडिल क्लास, ये उम्मीद कर रहा था नौकरियों को लेकर, जॉब्स को लेकर काफ़ी कुछ होगा, टैक्स स्लैब के अंदर बदलाव होगा या फिर इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी। वो जी हाँ बिल्कुल, जो वो बात रोज़गार की और टैक्स में राहत की जो उम्मीद थी वो सही बात है कि रोज़गार तो खैर अब देखना पड़ेगा कि कैसी इकोनॉमी चलती है, उससे रोज़गार बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, लेकिन टैक्स की इमीडिएट राहत जो थी वो तो अभी नहीं है। रजत सेठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। रजत आप बताइए, आपकी नज़र में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इस बजट का? देखिए मुझे लगता है कि अगर एक सीमित मिडिल क्लास की सोच से देखा जाएगा, जो कि पूरे बजट की स्पीच में सिर्फ इसका इंतजार करते हैं कि टैक्स स्लैब का क्या बदलाव हुआ, तब शायद निराशा लगेगी, लेकिन पूरे बजट को होलसम तरीके से देखना चाहिए। और कुछ लोगों ने बोला कि नौकरी के विषय पे क्या चीज़ है, तो मुझे जितना समझ में आया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में ज़बरदस्त उछाल आया है, करीब 34% का, एक तिहाई बजट बढ़ा दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जॉब्स में जरूर दिखेगा। ये अच्छा, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ जी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आम लोगों को समझाया जाए और आप क्यों कह रहे हैं कि उससे रोजगार बढ़ सकता है? देखिए आप देखिए हाईवेज की को ले लीजिए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होंगे, बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी, ब्रिज मतलब बनेंगे, हाईवे बनेंगे। एक्सपेंडिचर मतलब ये कि वो खर्च जिनसे बड़े एसेट्स बनेंगे देश के। तो एसेट्स जब बनते हैं तो सीधे सीधे तो नौकरियां क्रिएट होती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को एक प्रोत्साहन मिलता है कि जब सरकार इन्वेस्ट करना शुरू करती है देश की अर्थव्यवस्था में, तो प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस आता है, प्राइवेट सेक्टर पिगी बैक करता है, उसके पीछे पीछे चलता है सरकार के, और वो भी इन्वेस्टमेंट करता है। बड़ा बिंदु आप रेज कर रहे हैं यहाँ पर, ये कि बजट में जो मुख्य डायरेक्शन दिख रही है वो ये दिख रही है कि कोरोना काल के बाद सरकार खुद खर्च करके बड़ी बड़ी परियोजनाओं पे खर्च करना चाह रही है, ताकि उन परियोजनाओं पे जो खर्च हो, बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो खर्च हो जी, उससे एक तो देश के लिए चीज़ें बने, एसेट्स बने, जैसे हाईवे बने और चीज़ें और प्रोजेक्ट्स हों, और उससे रोज़गार भी बढ़े, लोगों की आय भी बढ़े और उससे इकोनॉमी चले, तो वो डायरेक्शन है इस बजट की, इसलिए टैक्स वगैरह में उतनी वो चीज़ें देखने को नहीं मिली जैसी मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा था। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी बिल्कुल, और देखिए जो सरकार की रिसोर्सेज हैं वो तो सीमित ही हैं, उनको ये तय करना है कि किधर खर्च ज़्यादा करना है, जिसका कि मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, जिससे कि एक खर्चा करें अगर 1 रुपए का तो उसका फ़ायदा 2-3 रुपए का हो, ऐसा सोच के प्राथमिकता दी जाती है। और मुझे लगता है कि, और चूंकि सेंसेक्स भी इस चीज़ को समझ रहा है, कई सारे कॉरपोरेट जगत भी इसको समझ रहा है, कि जिस तरह से सरकार ने जबरदस्त इम्पिटस दिया है डिमांड साइड में पुश बनाने के लिए, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जबरदस्त उछाल के लिए, मुझे ऐसा लगता है इसका इम्पैक्ट इस आने वाले साल में बहुत होगा, और इसमें मिडिल इनकम इसीलिए सेंसेक्स में लोग कंपनीज के शेयर प्राइसेस में ऐसा उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां ये उम्मीद की जा रही है कि कॉर्पोरेट जगत को ये जो सरकार का एक्सपेंडिचर होगा उससे फायदा होगा, उससे और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। और हाँ किशोर जी,
आपने देखा हो फिस्कल डेफिसिट 9.5% हैज बीन जी 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 दिस टाइम स्ट्रेट अवे दे ऑनेस्टली एडमिटेड कि इस बार फिस्कल डेफिसिट 9.5% होगा, जो कि एक बोल्ड स्टेप है। और उसके पीछे सीधा कारण यह है कि सरकार चाहती है कि पैसा एक आम आदमी की जेब तक पहुंचे। ये फिस्कल डेफिसिट 9.5% का मतलब समझा देते हैं लोगों को कि मतलब सरकार कह रही है कि हम 9.5% 9.6% जो घाटा है इसका मतलब हम लेने को तैयार हैं। हाँ। और वो इसलिए लेने को तैयार है क्योंकि हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो, यानी आमदनी नहीं होगी तब भी इतना ज्यादा खर्चा किया जाएगा कि वहां तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स क्रिएट हो जैसा बताया जा रहा है और प्रोजेक्ट्स हो और वो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उससे पैसा पहुंचे एक आम आदमी की जेब में और उससे डिमांड क्रिएट हो। डिमांड क्रिएट होने से नेचुरली कॉर्पोरेट जगत में आपको तरक्की का एक मौका मिलेगा, तो एक अच्छा पॉजिटिव सर्कल बनेगा। इस वक्त लगभग 3.5% ऊपर चला गया है। उसका एक कारण और भी है शायद FIIs को ऐसा लग रहा था कोई झटका ना मिल जाए, तो FIIs को भी कोई झटका नहीं दिया गया, बल्कि इंडिकेशन इस टाइप के हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं उनको कोई झटका नहीं मिला, बल्कि एक बूस्टर दिया जा रहा है इनकम टैक्स में भी, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके भी टैक्स को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की है कि उनके ऊपर डबल टैक्सेशन ना लगे। तो एक पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि हम ना तो विदेशी निवेशकों को हम परेशान करना चाहते हैं, हम उसकी कैपिटल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको उनकी भी कर प्रणाली को स्मूथ करना चाहते हैं, खूब सारा खर्चा करना चाहते हैं इस देश में जिससे कि वो खर्चा आम आदमी की जेब तक पहुंचे और उससे डिमांड वापस अराइज हो, एम्प्लॉयमेंट वापस जनरेट हो। शायद ये एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट हुई है जिस वजह से सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। ये मोटे तौर पर अब बजट को समझा जाए तो वो ये कि बजट में रजत जी हमारे साथ हैं, रजत सेठी। रजत जी, ये फिस्कल डेफिसिट वाली जो बात है इसको एक बार फिर हम क्लियर करें कि कितना परसेंट रखा गया है, उसका क्या मतलब है और उससे उसका खर्चे से क्या रिलेशन है। देखिए, सरकार एक FRBM एक्ट के तहत उसकी कुछ सीमाएं होती हैं कि वो मन चाहे तरह से खर्चा नहीं कर सकती है, लेकिन FRBM एक्ट में एक क्लॉज होता है कि अति विशिष्ट सर्कमस्टेंसेस में अगर स्पेशल सिनेरियो हो जाता है जैसा कि कोविड की वजह से हुआ, तो सरकार को छूट है कि वो अपना लोन लेकर उधार लेकर चाहे वो पब्लिक मार्केट्स हों चाहे वो बाहर के मल्टी डोनर एजेंसीज हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, ADB, इन सब से लोन उठा सकती है और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में से इससे फाइनेंस कर सकती है। जो 9.5% का जो आंकड़ा है उसमें मुझे एक चीज़ जो चेक करने योग्य है कि क्या ये स्टेट्स और सेंटर का मिला के फिस्कल डेफिसिट है कि अकेले सेंटर का इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि 9.5% का मेरी समझ से इसमें प्रदेशों का फिस्कल डेफिसिट और केंद्र सरकार का मिलाकर ये आंकड़ा है और मिलाकर ही देखना भी चाहिए। और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चीज़ और बोली कि 2025-26 तक FRBM एक्ट को रिलैक्स किया है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगले कई 2-3 सालों तक लगातार ब्रीच होगा ये लिमिट और लगातार सरकार इस पे अपना खर्चे को बढ़ाती रहेगी और कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट हो। पूरा फोकस, पूरा केंद्र इस बजट का देश में नौकरियों को बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस देना, उनको इतना मन में भरोसा दिलवाना कि आप भी इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि सरकार आपसे आगे बढ़ बढ़ के इन्वेस्ट करने को तैयार है। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है देश की अर्थव्यवस्था में जो आज फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से पूरे देश के अर्थ जगत को आज मिला है। मुझे और भी मैं आपको चीज़ बता सकता हूँ जो कि आज डिस्कस हुई, हेल्थ बजट। कोरोना वैक्सीन के लिए ही 35,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो ये छोटा अमाउंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आधी जनसंख्या तक तो कवर किया जा सकता है 35,000 करोड़ के इस एक्सपेंस से। साथ में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी और अगर ज़्यादा जनसंख्या को भी अगर हमें कोविड वैक्सीन देनी पड़ी तो वो इस अमाउंट को और बढ़ाने की संभावना उन्होंने दिखाई थी। मुझे लगता है कि हेल्थ को प्राथमिकता दी गई है और इन्वेस्टमेंट्स को प्राथमिकता दी गई है। हेल्थ सेक्टर की उछाल जो है मुझे लगता है 100%, करीब 137% हेल्थ बजट को बढ़ाया गया है। हर साल जो हम देखते हैं कि जो हेल्थ बजट होता है, एजुकेशन बजट होता है, कुछ मामूली 3-4% बढ़ा के टोकन तरीके से आगे बढ़ जाया जाता है, लेकिन ये जो आमूलचूल परिवर्तन है हेल्थ को लेकर, मुझे लगता है कि अर्थशास्त्री इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि हेल्थ बजट बढ़ने की वजह से देश में प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। कोविड ने ऐसी एक, इस महामारी ने हमारे सामने एक नया डोमेन भी खोला है देश के सामने कि आप मेडिकल जगत, जो विश्व में मेडिकल नीड्स हैं, उसको भारत कैसे पूरा कर सकता है। एक आत्मनिर्भर भारत जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है,
उसमें हेल्थ का जो एलिमेंट है वो सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण कोना है। आज भारत जो है विश्व भर को वैक्सीन दे रहा है, अगर भारत में ये वैक्सीन नहीं बनी होती तो हमारे ऊपर बाहर से खरीदने की जिम्मेदारी आ जाती सरकार के ऊपर, तो कितनी मुश्किलें होती सरकार की, सरकार के फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कितना बड़ा स्ट्रेस पड़ता।